Hello students, so in this video I'm going to explain poem number 3, which is trees. Okay, so first of all I will recite the poem, then after I will explain the poem. Okay, so let's get started. I think that I shall never see a poem lovely as a tree. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arm to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair. Poems are made by fools like me. Poems are made by fools like me. But only God can make a tree. Okay, so इस poem के poet कौन है? Joyce Kilmer. Okay, so क्या बोल रहे हैं poet? देखिए, I think that I shall never see a poem lovely as a tree. ठीक है, तो जो poet है वो बोलते हैं कि I think that I shall never see, मैंने कभी भी इतना प्यारा poem नहीं देखा है, ना ही लिखा है, जैसे कि क्या है, ये पेड़ है, एक tree है, उसको लेके बोलता है a tree, ठीक है, एक पेड़ इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है, कि इससे अच्छा मैंने आज तक कोई भी poem नहीं देखा है, ठीक है, A tree that looks at God all day. ठीक है? क्या बोलते हैं? A tree that looks at God all day. जो पेड़ है वो क्या है? हमेशा हर टाइम जो है हमेशा क्या है? वो किसको देखता है? वो भगवान को ही देखता है. ठीक है? इसमें जो है पोएट क्या बोल रहे हैं? इसमें पेड़ के पेड़ किस तरीका कैसे वो जब पेड़ जब उगता है और वो उसका जो जिस तरीके से वो खड़ा होता है तो ये जो पोएट है वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं कि क्या होता होगा एक्चुअली. तो जब उन्होंने इमेजिन किया तो उनको ये लगा कि शायद पेड़ जो जिस तरीके से खड़ा रहता है वो देखने में लगता है कि वो क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ देख रहा है और क्या कर रहा है, भगवान की तरफ देखता होता है. वो हमेशा क्या है, 24 घंटे वो ऐसा लगता है जैसे कि वो किसकी तरफ देख रहा है, वो भगवान की तरफ देख रहा है. एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म टू प्रे, और उसके जो leafy arms मतलब जो उसके branches होते हैं ना, वो किस तरह से वो ऊपर की तरफ ही उगते हैं, है ना, जो उसके leaves होते हैं. students आपने अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी tree बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, trees होते हैं, वो क्या है, उनके जो branches होते हैं वो ऊपर की तरफ निकल के आते हैं और उसमें क्या है, ढेर सारे पत्ते लगते हैं. तो वो कैसा लगता है देखने, वो लगता है कि वो अपने हाथ जो है क्या कर रहा है, लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, और वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ जो है वो खड़े किए हुए हैं ऊपर की तरफ, और वो ऐसे लगता है जैसे कि वो क्या कर रहा है, वो सारा दिन प्रे कर रहा है, वो भगवान से जो है वो भगवान की प्रार्थना कर रहा है. ओके, आप इसको इमेजिन करके देखिए स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसा ही लगेगा. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. रेस्ट द पोर्शन ऑफ दिस पोएम आई विल एक्सप्लेन टुमारो. ओके.